hello guys assalamu alaikum and welcome to my channel my name is Osama, and in today's video i'm going to guide you about the complete application process of another public university of italy that is the university of bozen bolzana so uh, before jumping into our application process of a free university of bozen bolzana let's talk about the university first so as i said it is a public university of italy it means you will be uh, able to apply for a regional scholarship after getting admission into this university if we talk about the uh, ranking of this university so uh, it has been ranked at the position of 1540 so it comes under uh, top 1600 universities of the world so it is uh, not a bad ranking if we talk about the acceptance rate, so uh, the acceptance rate of this university is around 77%, which is quite high. So, you all should apply into this university. And this university was founded in 1997. Uh, so, uh, let's talk about the programs that are offered by this university to international students. So, for that, we'll come on to the official website of the university. एन द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट विल भी अटैच्ड इन माई यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रोग्राम जो है वो तीन जुबान में पढ़ाए जा रहे हैं बैचलर्स के और मास्टर्स के और कुछ प्रोग्राम जो है वो जस्ट इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं तो ये सारे प्रोग्राम जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये सारे इंग्लिश में ही पढ़ाए जा रहे हैं अब इन प्रोग्राम में से आप जो है किसी भी प्रोग्राम में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो और हर प्रोग्राम की डिटेल के लिए जो है आप उस प्रोग्राम क्लिक करोगे और आपके पास उसकी डिटेल जो है वो सारी ओपन हो जाएगी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर साइंस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास हॉर्टिकल्चर साइंस की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है अब यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है जैसे कि इसमें जो है पहले दो सेमेस्टर वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना में पढ़ाए जाएंगे फिर थर्ड सेमेस्टर जो है वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा तो इसमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी अब इसी तरह आप जो है अपने रिलेवेंट प्रोग्राम की सारी इन्फॉमेसन देख सकते हो इसके बाद आप आओगे नीचे तो नीचे आपके पास यहाँ पे गिवन है कि आप अपनी नेशनैलिटी के बेस पे जो है इन्फॉर्मेशन देख सकते हो तो चूंकि हम नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं नॉन यूरोपियन और बाहर मुल्क में रह रहे हैं लिविंग अब्रॉड तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी कि आप जो है कैसे अप्लाई करोगे आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो है वो हर प्रोग्राम की अलग अलग है तो आप जो है उस प्रोग्राम के पेज पर पे जाके उसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट देख लें कुछ के लिए एल्ट रिक्वायर्ड होगा कुछ के लिए एल्ट नहीं रिक्वायर्ड होगा फिर यहाँ पर जो है बैचलर्स के बारे में इन लोगों ने बताया है और फिर नीचे मास्टर्स के बारे में बताया जा रहा है और फिर यहाँ पर इन लोगों ने स्टेप्स बताए हैं तो स्टेप्स में इन लोगों ने बताया है कि पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे फिर उसके बाद जो है आपका एडमिशन का आ, डिसाइड होगा कि आप जो है एडमिशन आपको मिल गई है या नहीं जब आपको एडमिशन मिलेगी तो आप जो है ट्यूशन की की पहली इंस्टॉलमेंट सबमिट कराओगे उसके बाद जो है आप अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे और आप जो है अपना एप्लीकेशन फिर यूनिवर्स इटली पोर्टल पर स्टार्ट करोगे तो ये थे हमारे आ, स्टेप्स अब जो है हम आ, अगर अप्लाई करना चाहते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास एक अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है तो हम इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ ऐसे पेज ओपन होगा इस पेज पे जो है आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना है अकाउंट बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे राइट right साइड पे क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन नजर आएगा आपने इस पर क्लिक करना है क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी इस विंडो में जो है आपने पहले अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर लिखना है फर्स्ट नेम लिखने के बाद जो है आप नीचे सरनेम अपना लिखोगे सरनेम लिखने के बाद जो है नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप यहाँ पर लिख लोगे डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो है आप नीचे अपना ई एड्रेस लिखोगे ई एड्रेस लिखने के बाद जो है आप नीचे अपना पासवर्ड एक दफ़ा लिखोगे और फिर रिपीट में लिखोगे वो सब लिखने के बाद जो है आप आओगे नीचे नीचे आप आई हैव रेड दी इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डिंग्स विद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कोड आप इसको चेक करेंगे चेक करने के बाद जो है आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी इस विंडो में अब आपके पास लिखा है कि आप सारी डिटेल्स अपनी मेंशन करोगे तो सबसे पहले है आपके पास पर्सनल डेटा पर्सनल डेटा में आपका फर्स्ट नेम आ रहा होगा लास्ट नेम आ रहा होगा फिर यहाँ पे आपने जो है अपना जेंडर चूज़ करना है बर्थ डेट भी आपकी आ रही होगी यहाँ पे जो है आपने अपना बर्थ प्रोविंस मतलब कि वो प्रोविंस का नाम आपने लिखना है वो सूबे का नाम लिखना है जहाँ पर पे आपकी पैदाइश हुई उसके बाद जो है बर्थ सिटी में आप वो शहर का नाम लिखोगे जहाँ पर आप पैदा हुए वो लिखने के बाद जो है नीचे आपका ईमेल एड्रेस नज़र आएगा उसके बाद जो है आप बर्थ स्टेट में अपनी कंट्री चूज़ करोगे जिस भी कंट्री में आपकी पैदाइश हुई फिर आप जो है नेशनैलिटी में भी अपनी कंट्री चूज करोगे जिस भी कंट्री के आपके पास नेशनैलिटी है फिर एप्लीकेशन टाइप पे आप क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन टाइप में जो है आपके पास दो ऑप्शन नजर आएंगे तो आपने जो है नॉन यूरोपियन सिटीजन रेजिडेंट इन कंट्री डिफरेंट फ्राम इटली चूज करना है चूंकि हम नॉन यूरोपियन जो है सिटीजन है और हम जो है इटली से बाहर रह रहे हैं तो हमारे लिए ये ऑप्शन जो है वो रेलिवेंट है फिर आपने इटालियन टैक्स वाले जो है वो एम छोड़ देना है फिर आप आएंगे करंट एड्रेस पे तो करंट एड्रेस में जो है आप पहले अपना प्रोविंस का नाम लिखेंगे फिर सिटी का नाम फिर आगे जो है आप अपना स्ट्रीट नंबर जिप कोड जो है आप गूगल से देख लो फिर फ़ोन नंबर लिखोगे और फिर जो है आप अपना स्टेट मतलब के कंट्री का नाम लिखोगे वो लिखने के बाद जो है नीचे आपके पास अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन है तो आप जो है यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करके फोटो अपलोड करोगे अब फोटो जो है वो आपकी जे पी जी फॉर्मेट में होनी चाहिए और जो है ये उसका साइज़ होना चाहिए वो अपलोड करने के बाद जो है आप नीचे आओगे तो नीचे आपके पास है कि आप अपना आईडी कार्ड जो है वो या फिर पासपोर्ट uh, जो है वो यहाँ पे अपलोड करो आप यहाँ पे जो है वो अपना पासपोर्ट ही अपलोड करोगे वो अपलोड करने के बाद जो है नीचे आपके पास है कि आपका पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट क्या है तो यहाँ पे जो है आप अपना पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट लिख लोगे वो सब फिल करने के बाद जो है आप नीचे सेव पे क्लिक कर लोगे सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ऊपर आ जाएगा कि डेटा सेव्ड सक्सेसफुली यू कैन नाउ यूज़ द अदर फंक्शंस इन द पोर्टल तो हमारा जो है वो सक्सेसफुली डेटा जो है वो सेव हो गया है अब हम जो है मजीद अपना एप्लीकेशन का नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट स्लैश मैनेज एप्लीकेशंस तो राइट साइड पर आप इस पहले ऑप्शन को चूज़ कर लोगे अब यहाँ पे आपके पास दोबारा क्रिएट ए न्यू एप्लीकेशन का जो है बटन नज़र आ रहा है आपने दोबारा इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम टाइप पूछी गई है तो प्रोग्राम टाइप में अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर कर लो मास्टर्स के लिए कर रहे हो अप्लाई तो वो कर लो और अगर पी के लिए कर रहे हो जो कि इस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाती है तो आप पी एच क्लिक कर लो अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने मास्टर पर क्लिक किया फिर नीचे जो है आप प्रोग्राम्स के ऑप्शन है तो प्रोग्राम्स के ऑप्शन में आपके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है तो आप जोन से भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ से लिस्ट में जो है चूज़ कर लो जिस भी प्रोग्राम में आपका रेलिवेंट है तो इसके बाद जो है नीचे आपको एप्लीकेशन फ़ी नज़र आएगी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो इसकी है फ़िफ्टी यूरोस और फिफ्टी यूरोस एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कुछ भी नहीं है अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है और एप्लीकेशन फ़ीस जिस भी यूनिवर्सिटीज़ की होती है उसमें आपके एक्सेप्टेंस के रेट्स जो है चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं करते क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो नो एप्लीकेशन फ़ी वाली यूनिवर्सिटीज में ही अप्लाई करते हैं तो इसमें आपकी कंपटीशन भी इतना नहीं होगा और आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे फिर आप जब पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास पेमेंट की ये सारी डिटेल रेल यहाँ पर आ जाएगी तो इसमें से आप कोई इन दोनों में से कोई से भी मेथड पर जो है आप अपना एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट कर लो एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने के बाद जो है नीचे आपके पास डेड भी नज़र आ रही है तो डेड इसकी काफ़ी दूर है सेवन में ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इसकी डेडलाइन है तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है अब मिनिमम लैंग्वेज लेवल जो है वो भी यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है जो कोर्स मैंने चूज़ किया है उसके लिए बी टू या सी वन है तो ये सब करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन जब आप फी सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन कम्प्लीट होने के बाद जो है आपका एडमिशन का वेट करना है कि आपको जो है उसका रिस्पांस मिलेगा कि आपके एडमिट हो गए या नहीं हुए यूनिवर्सिटी में तो ये था हमारा पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछेगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया अगर कोई सजेशनस है तो ज़रूर मुझे बताइएगा अल्लाफि